दूसरी चीज़ कि इस गाड़ी में पैंडी गार्ड नहीं है, जिसकी वजह से लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जैसे मैं बैठा हूँ ना, अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल के साथ बैठना है तो आपको ये वाला सीट नहीं लेना है, मतलब साइड। हमेशा की तरह इस बार भी इसमें जो है दो चादर होगा और एक रुमाल टाइप का होगा भाई, जिसको जो है तौलिया बोलते हैं। बाकी यहाँ पे ब्लैंकेट है और एक तकिया मिला हुआ है, जो कि साफ सफाई के मामले में ठीक ठाक है दिख रहा हमको। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे और दिल्ली का ये लास्ट सीरीज़ है और आज हम यहाँ से निकल रहे हैं बिहार के लिए। फिर बिहार से कहाँ का ट्रिप होगा, कैसे होगा, वो आपको आगे वाले वीडियो में बने रहें तो आपको मिल जाएगा। बाकी अभी हम लोगों का जो गाड़ी का टाइमिंग आज का है 5:15 पे, जो कि आनंद बिहार से चलती है। जब तक के लिए आप जो है रूट इंजॉय करें और ट्रिप इंजॉय करें। बाकी अभी हम लोगों के पास में टाइम बहुत कम है और उम्मीद करते हैं कि आज की गाड़ी मिस ना हो। बाकी अभी दिल्ली का ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर है, उम्मीद है कि हम एकदम टाइम से पहुंच जाएंगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टाइम से 10 मिनट पहले और जो ड्राइवर साहब थे ना भाई, काफ़ी स्पीड में लेकर आए। चलो अभी हम लोग के पास बहुत कम टाइम है, पहले हम लोग पहुंचते हैं। बाकी देखो सुबह के टाइम में भी भाई भीड़ होता है यहाँ पे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं आनंद विहार टर्मिनल और यहाँ से जो अभी गाड़ी का कोई पता नहीं है और ऑनलाइन में अपडेट वगैरह अभी कुछ नहीं मिल रहा। तो फाइनली अपनी गाड़ी आ चुकी है गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि हम पहली बार इसमें सफर करने वाले हैं। यात्री कृपया ध्यान दें, आनंद विहार से चलकर सहरसा को जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस 04:32 अपने निर्धारित समय से बहुत ज्यादा डिले चल रही है और ये हमेशा चलती है, इसकी पुरानी आदत है। और मैं बात करूं, इस गाड़ी से हम लोग चल रहे हैं दरभंगा और दरभंगा कितना किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस है 1060 किलोमीटर और ये गाड़ी वीक में 5 दिन चलती है, सैटरडे संडे और मंडे और ट्यूजडे वेडनेसडे स्किप है। अगर आप लोगों को कहीं भी जाना हो तो आप मेरी वीडियो देखकर जा सकते हैं। बाकी मैं कोच के अंदर जाके दिखाता हूँ मेरा सीट कौन सा है। सीट मेरा हमेशा ऊपर का ही रहता है, इसलिए कि मुझे सोने में बड़ा मज़ा आता है। तो आज हमारी गाड़ी ये वाली है गरीब रथ एक्सप्रेस और इसमें होने वाला आज हमारा सफ़र। लेकिन यहाँ मुश्किल की बात यह है कि ये यहाँ पे जो है कोच मेंशन ही नहीं कर रहा, जो कि हर बॉगी में और हर कोच में जो है मेंशन कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, यहाँ पे दे रखा है G4। इसी तरह हमारा भी कोच है G3, बट वहाँ पे दे नहीं रखा है। तो चलो अब चलते हैं कोच के अंदर में और कोच की क्लीनिंग की बात करें तो सही है भाई। बाकी यहाँ पे जो है आपको चार्जर वगैरह का मिल जाता है, ये चालू है या नहीं पता नहीं। बाकी यहाँ पे एक मिरर्स मिल जाता है और एक अपर सीट मिल जाता है, एक बीच में मिल जाता है और एक किधर मिल जाता है, मतलब केबिंग साइड का है ये, तो यहाँ पे 3 ही सीट मिलेगा। बाकी ये भी एक सीट है जो कि हम पहली बार देख रहे हैं, ये कैसा सीट है अभी इसको हम खुद देखेंगे, खोल कर देखेंगे। ये भी एक सीट है, ये देखो। तो मैं बात कर रहा था गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में, तो इसमें जितना भी कोच है सब 3rd AC है और हर कोच में 78 सीट है भाई। तो अभी हम गरीब रथ के वॉशरूम में हैं, जो कि सबसे पहले हम हमेशा मिरर्स को देखते हैं जो कि क्लीन नहीं है और यहाँ पे हैंड वॉश करने वाला कुछ हद तक ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पे फाइन लगा हुआ भैया, मस्त हवा लो और यहाँ पे बैठ के करते रहो। तोबा तोबा तोबा। बाकी हमारे गाड़ी के अपोजिट साइड में ये लगी हुई है वंदे भारत, जो के आनंद विहार से चलकर अयोध्या को जाती है भाई साहब, और मैं दूसरी मरतबा देख रहा हूँ। तो फाइनली वंदे भारत जो है
अपनी निर्धारित समय से अयोध्या के लिए निकल चुकी है भाई, और ये एक से दो बार हॉर्न दी और ये जो है क्विकली एकदम फास्ट हो गई गाड़ी, काफी सही लग रहा भाई। तो फाइनली अपनी गाड़ी रेलवे स्टेशन से खुल चुकी है और अब ये बढ़ती रहेगी, अब मुझे भी चढ़ना है यार। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम जो है गरीब रथ को पकड़ने के लिए, मतलब गरीब रथ से सफ़र करने के लिए 3:30 बजे घर से निकले थे और मुझे अब आ रहा है नींद, तो हम तो ये पूरे सफ़र को पूरा दिखा चुके हैं आप लोगों को और ट्रेनिंग वगैरह की बात तो हम कर ही लिए। कितना का टिकट होता है उस हिसाब से क्लीनिंग वगैरह ठीक ठाक है, बाकी अब हम यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं और अभी से जाके हम नींद लेंगे, बढ़िया सा नींद लेते हैं, उसके बाद फिर आपको सोकर उठते हैं फिर दिखाते हैं। तो फाइनली ये गाड़ी खुल चुकी है, ये चेक करो भाई साहब, हमेशा की तरह इस बार भी इसमें जो है दो चादर होगा और एक रुमाल टाइप का होगा भाई, जिसको जो है तौलिया बोलते हैं। बाकी यहाँ पे ब्लैंकेट है और एक तकिया मिला हुआ है जो कि साफ सफाई के मामले में ठीक ठाक है दिख रहा हमको, ये चेक करो भैया गरीब रथ का है। बाकी यहाँ पे एक ब्लैंकेट भी मिल गया है, मस्त आराम से भी सोएंगे हम, ये वाला ब्लैंकेट मिल गया है, ओपन कर लेते हैं मतलब और क्या क्या निकलता है वो देख लेते हैं। चलो एक तो ये तो हो ही गया और एक ये हो गया, एक बिछाने के लिए हो गया और एक ओढ़ने के लिए हो गया। बाकी इसमें जो है तौलिया नहीं दिया भाई साहब, पता नहीं क्यों मांगना पड़ता है बहुत सारी गाड़ियों में। MD स्माइल करना फाइनली हम जो है सोकर उठ चुके हैं, अब टाइम आ गया नाश्ता करने का, जो कि नाश्ता मुझे मिला था खाना समझ लें, खाना नाश्ता फूफी की तरफ से इतना मिल गया है कि शायद हम खा भी ना सके, बाकी क्या है देखते हैं ट्राई करते हैं, इसलिए कि मुझे ट्रेन में सोना और बस वीडियो करना पसंद है, खाना पीना नहीं, खाना एक बार हो गया काफ़ी है। तो ये चेक करें भाई साहब, ये है बिरयानी जो कि घर से ही मिला था फूफी दीदी, और इतना ज़्यादा दे दी कि इसको खाना मेरे बस का है भी नहीं, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें। तो फाइनली अपना जो है खाना हो चुका है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जैसे मैं बैठा हूँ ना, अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल के साथ बैठना है तो आपको ये वाला सीट नहीं लेना है, मतलब साइड लोवर जो होता है, साइड लोवर साइड अपर, तो हमेशा जो है अगर आपको ऊपर बैठना है, आराम से बैठना है, सोना है, खाना है, पीना है, तो आप हमेशा ये वाली सीट को लिया करें, सबसे बेस्ट होता है अपर वाली सीट। यहाँ पे क्या होता है कि आप आराम से बैठ सकते हैं और खा भी सकते हैं और यहाँ तक के लेट भी सकते हैं। नीचे वाला भी लेते हैं तो एक समय तक क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि आप सीट उठाओ, मुझे सोना है या बैठना है, ये वाला सिस्टम हो जाता है। अगर किसी को कंफर्टेबल के साथ रहना है तो अपर वाली सीट ले, ना कि ये वाली, साइड अपर भी कभी ना ले भाई। मैं काफ़ी देर से ऐसे ही बैठा हूँ जबकि मेरी हाइट कम है, अगर मुझसे कोई लंबा होगा तो वो थक जाएगा बैठा बैठा। एक चीज़ अच्छी चीज़ ये दिख रही है कि यहाँ पे जो है आग बुझाने के लिए, आग से निपटने के लिए दो इक्विपमेंट वगैरह भी दे रखा है, वर्किंग भी होगा उम्मीद करते हैं, इसलिए कि यहाँ पे सील दिख रहा है आपको, अच्छी बात है, ये सब रहना भी चाहिए गाड़ी के अंदर में। तो ये गरीब रथ एक्सप्रेस आनंद विहार से सहरसा को जो जाती है, ये 17 अगस्त को ही इसी महीने अगस्त में ये ओपनिंग हुआ है, और आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 सीट है, अपर मिडल और लोअर, ठीक वैसे ही यहाँ इसमें भी है 3 सीट है, ये चेक करें 45, 44 और 43, मतलब कि इधर में 6 सीट हो तो हो गया है इस गाड़ी में और इधर में जो है 3 सीट हो गया है, ये देखें अपर मिडल और लोअर, ये 3 सीट इसमें भी हो गया भाई, काफ़ी सही है, स्पेस वहाँ की कम ही रहता है, ये चेक करें स्पेस बहुत कम होता है, नीचे वाले के लिए कम है फिर बीच वाले के लिए ज़्यादा है। गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे और हम पहुँच चुके हैं बाजपट्टी रेलवे स्टेशन, इसके बाद जो है आता है जनकपुर रोड, उसके बाद जो है फिर आ जाएगा हम लोगों का डेस्टिनेशन,
और मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में बता दूं कि मैं बस बिहार में एक दिन के लिए हूँ, मतलब आज 23 तारीख है, फिर 24 तारीख को कल निकल रहे हैं। कोई गैस कर सकता है कौन सी जगह हम जा रहे हैं? कोई बता सकता है तो मुझे बताए। मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ और मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हिंट ये है कि 579 किलोमीटर है हम लोगों के दरभंगा से, और कहाँ जाएंगे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी अगर आप लोगों को इस तरह का व्यू चाहिए भाई तो आप आ सकते हैं बिहार की तरफ। ये चेक करें भाई साहब, कितना मस्त लग रहा है, सुबह सुबह का टाइम है। यह है रक्सौल जोगबनी एक्सप्रेस। फाइनली जनकपुर को भी एस्केप करते हुए दरभंगा की तरफ बढ़ते हुए अपना ये कदम और अपना ये सफ़र। बाकी बिहार का मौसम बिल्कुल सही हो रहा है, कहीं पे धूप हो रहा तो कहीं पे मस्त व्यू मिल रहा भाई साहब। जनकपुर का ये वाला रोड आज से नहीं, हम बहुत पहले भी यहाँ जब रहते थे पढ़ाई करते थे इस रूट से आना जाना होता था, तब भी ये रोड ऐसे ही था भाई साहब, आज भी ऐसे ही दिख रहा है। पता नहीं ये सब बिहार का जो है तरक्की है या फिर जो है बिहार की बेइज्जती है, ये आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स में कि पैसा आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो पैसा जाता कहाँ है। तो हम लोग जिस गाड़ी से आए हैं इस गाड़ी का नाम है गरीब रथ स्पेशल 04032। इस गाड़ी का खासियत ये है कि ये गाड़ी जहाँ तहाँ बिहार में रुकने के बाद जहाँ तहाँ रुक जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये गाड़ी आज के डेट में 5 घंटा 48 मिनट आगे चल रही है और अभी कितना देर और डिले चलेगी। बाकी मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये है शीशो रेलवे स्टेशन, जो पहले अपडेट होने में बहुत कुछ सोचना पड़ता था बट अब बहुत जल्दी जो है ये अपग्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है भाई। दूसरी चीज़ कि इस गाड़ी में पेंडी गार्ड नहीं है, जिसकी वजह से लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं, जहाँ पानी मिल रहा है वहाँ पानी भरने के लिए उतर जा रहे हैं। इतने बड़े डब्बे में कोच का इतना छोटा नाम, ये देखें G3 साल। आजकल छोटा से छोटा क्रिएटर भी जो है मेंशन करता है तो बड़े से बड़े क्रिएटर को करता है। बात तो सही है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं दरभंगा और यहां से फिर हम लोगों को लेना होगा टोटो, फिर चलना होगा। और यहां पे रश तो बहुत ज्यादा रहता है, सुबह हो शाम हो दोपहर हो इवनिंग हो कुछ भी हो, रश तो मिलना ही मिलना है भाई साहब। बाकी कल इसी टाइम में फिर हम निकलेंगे यहाँ से, इस टाइम में नहीं मतलब रात में, कल मेरी गाड़ी है बिहार में, बस हम आज भर हैं, बाकी फिर हम कल यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी यहाँ पे भी आप आए या फिर रेलवे स्टेशन, दुनिया के किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाएं तो जहाँ आपको जाना पहले उनसे संपर्क कर लें कितना पैसा लेता है सवारी का जहाँ पर आपको जाना है, उसके बाद ही आप बातचीत करें तो बेहतर होता है, क्योंकि नए लोग नई जगह ज़्यादा पैसा डिमांड कर लिया जाता है। बात तो सही है, इस चीज़ का ख्याल रखें। चलो कंटिन्यू सफ़र को करते हैं और सबसे पहले हम गाड़ी लेते हैं बाहर जाकर। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने विलेज में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाकी ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है, मौसम चेक करें भाई साहब। अभी मेरा भाई आ रहा बाइक लेकर, फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे घर, यहाँ से पैदल ही पैदल चलना है अभी।